नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सतना संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के संविदा कर्मचारी विगत 15 दिसंबर से आर पार के संघर्ष संकल्प के साथ आंदोलनरत है। प्रदेश के लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित किए जाने की प्रमुख मांग के साथ सीधे सरकार से भिड़ चुके हैं। स्वास्थ्य संविदा CHO को MLHP कैडर में नियमित किया जाए और NHM के समस्त प्रोग्रामों के जिनके कैडर निर्धारित नहीं है उनके भी कैडर बनाकर नियमित किया जाए। NHM सपोर्ट स्टाफ को आउटसोर्सिंग से हटाकर तत्काल NHM में वापस लिया जाए और बीमार लेखापाल मलेरिया MPW अप्रेजल से निष्कासित कर्मचारियों को तत्काल NHM में वापस से लिए जाने आदेशित किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के माध्यम से संविदा व्यवस्था को अन्यायपूर्ण स्वीकार किया है। तत्संबंध में अपनी मंशा को अमली जामा पहनाकर हड़ताल के कारण अस्त व्यस्त स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी में लाते हुए साधुवाद के पात्र बने वास्तविक रूप से मामा कहलाने के हकदार बने। NHM कार्यालय के सामने तंबू लगाकर अनशनरत ANM अनीता अहिरवार, ज्योति वर्मा, अभिलाषा सोंधिया, देवकी दुबे, अनुपमा कोल, हेमलता प्रजापति, स्मृति सिंह, नेहा गौत, सविता सिंह, अरुणा बागरी सहित 2 सैकड़ा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित थे। किस पद पर हैं आप स्वास्थ्य विभाग में? हम BCM है, मझगवा चित्रकूट में। अच्छा, मझगवा में पोस्टेड हैं आप? जी। ये किस मुद्दे को लेकर स्ट्राइक हो रही है आप लोगों की? हमारा स्वास्थ्य विभाग के जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं विगत 15 सालों से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला, जितने भी संविदा में कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नियमित किया जाए अन्य राज्यों की तरह, और दूसरा है जिन हमारे कर्मचारियों को जो पहले NRHM में कार्यरत थे उनको आउटसोर्स में रख दिया गया है उनको उनकी पुनः NHM में बहाली की जाए। ये 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर विगत 15 तारीख से हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या ये पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर हैं? पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तकरीबन 32,000 कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो अपने जिनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। उस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। ये स्ट्राइक आपकी 15 तारीख से शुरू हुई है प्रदेश स्तर पर? जी 15 तारीख से। आप बताएं। 15 तारीख शुरू हुई है, अनिश्चितकालीन तक हमारी ये हड़ताल रहेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग मंच से नहीं हटेंगे। या सुराज मामा को आना ही पड़ेगा हमारे मंच में और कहना पड़ेगा कि 5 जून 2018 को जो नीति बनाई गई थी और सुराज मामा ने अपने ही शब्दों से कहा था कि ये संविदा एक शोषण प्रथा है और इस संविदा को मैं समाप्त करके रहूँगा, मेरे भांजे भांजियों इस संविदा शोषण को मैं ये ले लो वो ले लो थोड़ा थोड़ा करके ले लो, इस समस्या को समाधान करना है और आप लोगों को मैं नियमित कर दूंगा। तो उस मांग पे हम आज भी बैठे हुए हैं, मामा का इंतजार कर रहे हैं कब मामा हमारी मांग पूरी करेंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह ने आश्वासन दिया था कि मैं संविदा प्रथा को समाप्त करूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए विवश होकर के आप लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग आज करने और मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों भेदभाव हम लोग घर और परिवार और नौकरी में झेल रहे हैं। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।